रास्ता अर्धकुमारी जा रहा है, तो हम लोग अर्धकुमारी वाला रास्ता नहीं लेंगे, ये वाला रास्ता लेंगे। और तब भी देखिए कितनी भीड़ है बैटरी कार से वापसी जाने के लिए। तो जब वापसी करेंगे डोसा पॉइंट भी 2400 घंटे अधिकतर खुला रहने वाला रास्ता लेंगे। तो ये नया वाला ट्रैक है और इधर जाएंगे तो ये पुराना वाले ट्रैक पे। फिर लोग माता वैष्णो देवी से वापस कटरा की ओर जा रहे हैं, देखते हैं कितनी देर में नीचे उतर पाएंगे और आप लोग को बताएंगे नीचे उतरने में कितना समय लगता है हम लोगों को। फिलहाल थोड़ा पानी पीते हैं फिर अपना ट्रैक नीचे की ओर आरंभ करते हैं। ये भक्त लोग वापसी के लिए लाइन में लगे हुए हैं बैटरी कार के लिए, मगर हम लोग पैदल वापसी कर रहे हैं। और कितनी लंबी लाइन है ये देखिए बैटरी कार, और ये जितनी बैटरी कार वाले हैं सबने अपनी ऑनलाइन बुकिंग करा रखी थी पहले, और तब भी देखिए कितनी भीड़ है बैटरी कार से वापसी जाने के लिए। अब हम लोग करीब 1.5 किलोमीटर भवन से दूर आ गए हैं, भवन धीमे धीमे दूर हो रहा है और अच्छा नहीं लग रहा है। और क्योंकि यहाँ पे आना जितना ही आसान है जाना ही उतना ही मुश्किल होता है, तो मगर क्या करें जाना तो पड़ता ही है। और आप देखिए धीमे धीमे हम लोग वापसी की ओर जा रहे हैं, और ढलान देखिए ज़्यादा है इस वक्त। फाइनली अब हम लोग पहुंच गए हैं डोसा पॉइंट। यहां तक पहुंचने में हम लोगों को करीब आधा घंटा लगा होगा, मुश्किल से आधे घंटे पे अब हम लोग पहुंच गए हैं डोसा पॉइंट। और आप लोग जब वापसी करेंगे डोसा पॉइंट भी 2400 घंटे अधिकतर खुला रहता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं रात में ट्रैक कर रहा हूँ तो कोई रास्ते में दिक्कत होगी, नहीं बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, बल्कि रात में आपको भीड़ भी और कम मिलेगी तो आराम से ट्रैक कर पाएंगे। और ये देखिए साइड में आपको चेयर की भी सुविधा है, अगर आप थक जाते हैं तो यहाँ पे आराम से बैठ सकते हैं रात में। मगर रात में थोड़ा यहाँ पे सोने में थोड़ी दिक्कत होती है क्योंकि ठंडी ठंडी ओस पड़ती रहती है। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अब अर्धकुमारी 200 मीटर से भी कम बचा हुआ है, और आप देख सकते हैं यहाँ से प्यारा कटरा का व्यू दिखना शुरू हो गया है। चलिए अर्धकुमारी की ओर चलते हैं। नीचे उतरते वक्त ये रास्ता अर्धकुमारी जा रहा है, तो हम लोग अर्धकुमारी वाला रास्ता नहीं लेंगे, ये वाला रास्ता लेंगे, क्योंकि अगर आप इधर जाएंगे तो हल्की सी चढ़ाई आएगी। तो अगर आप लोग वापसी कर रहे हैं तो अर्धकुमारी वाला रास्ता ना लीजिएगा, ये वाला रास्ता से वापसी करिएगा, जिससे कि आपको जल्दी हो जाए। और अर्धकुमारी जाने का कोई मतलब नहीं है, अब वापसी में आप इधर से जाएं। अगर आपको रात में रुकना है तो आप लोग अर्धकुमारी का रास्ता लीजिएगा, और फिर दो रास्ते और अलग हो जाते हैं। अगर आप ये वाला रास्ता लेंगे तो ये नया वाला ट्रैक है, और इधर जाएंगे तो ये पुराना वाले ट्रैक पर फिर से कनेक्ट हो जाएगा, मगर इधर से आप अर्धकुमारी स्किप कर देंगे। अब हम लोग बैटरी कार पॉइंट में पहुँच गए हैं, आप देख सकते हैं रात के वक्त ये बैटरी कार नहीं चलती है, चार्जिंग हो रही है। वो बहुत ही जल्दी नीचे उतर आए हैं, करीब एक घंटा हो गया है, एक घंटे के अंदर हम लोगों ने अर्धकुमारी भी क्रॉस कर दिया। ऊपर देखिए अर्धकुमारी, और नीचे हम लोग पहुंच गए हैं बैटरी कार अर्धकुमारी वाले। जैसे ही अर्धकुमारी के आगे बढ़े फिर से ट्रैक पर घोड़े मिलना शुरू हो गए हैं। और कैसा लग रहा है भाई? मगर एक चीज बताऊं, यहाँ पे आना जितना आसान है जाना उतना ही मुश्किल है। मुश्किल इसलिए क्योंकि जाते टाइम डला रहा है। अरे वो नहीं यार, मन नहीं लगता है जाने का यहाँ से, मन करता है एक दिन और रुक जाए, मगर चार दिन रुक के आए हो अभी। और यार जितने दिन स्वर्ग में रहो उतना ही अच्छा लगता है। दो घंटे में हम लोग चरण पादुका मंदिर पहुँच चुके हैं, और हम लोगों को यहाँ पहुँचने में 2 घंटे लगे हैं। अब यहाँ से हम लोग जीना लेते हैं तो थोड़ा फास्ट होगा, चलिए जीने से यात्रा आगे बढ़ाते हैं, आइए। और ये जीना थोड़ा थकाता है, मगर थोड़ी जल्दी हो तो आप लोग जीने ले सकते हैं, वरना जीने से बेटर ये वाले ट्रैक रहते हैं। फाइनली हम लोगों ने जो सीढ़ी ली थी उसने हम लोग को डायरेक्ट बाणगंगा में उतार दिया है। बस यात्रा हमारी समाप्त होने वाली है, बस RFID जमा करेंगे और यात्रा समाप्त हो जाएगी। और अगर आप लोग RFID ऊपर कहीं भूल जाएंगे तो नीचे आप लोगों से 100 रुपये का फाइन लिया जाता है।